जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जैसे चुनाव का टाइम नजदीक आ रहा है, बीजेपी के नेताओं का बौखलाहट बढ़ता जा रहा। हार का इतना डर समा गया है कि वे उलझुल बयान देने लग गए हैं, और वो भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं। हम बात कर रहे हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का। पार्टी ने जब से उन्हें इंदौर से टिकट दिया है, तब से ही उनका बयान चर्चाओं में बना हुआ है। इस दफ़ा उन्होंने अपने समर्थकों को रिझाने के लिए कहा, मैंने घोषणा की है जिस पोलिंग बूथ में एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपये दूंगा। अब आप सब प्रयास करिए कि आपके वार्ड से कांग्रेस को वोट ना मिले, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपये दूंगा मैं। 51,000, एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहाँ से कांग्रेस को वोट नहीं मिले, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर कोई काम। दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय का खुलेआम 51,000 रुपये देने के बयान सामने आते ही कांग्रेस समर्थक आग बबूला हो गए और जमकर इन्हें ट्रोल करने लगे। कांग्रेस नेता रितु चौधरी लिखती हैं, मध्य प्रदेश में हार को देखते हुए भाजपा नेता बौखलाहट में पैसे बांटने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कार्रवाई करने के बजाय एकदम चुप्पी साधे देख रही। मशहूर पत्रकार अजीत अंजुम कहते हैं, कैलाश विजयवर्गीय का ऐसा ऑफर कांग्रेस को जिस बूथ पर एक भी वोट नहीं मिलेगा उस बूथ अध्यक्ष को दूंगा 50,000, ये आरपी एक्ट का उल्लंघन नहीं है। तो वहीं अंशुल सिंह लिखते हैं, चुनाव प्रचार में खुलेआम रुपयों की पेशकश करते हुए कैलाश विजयवर्गीय। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भाजपा के वरिष्ठ नेता का इस तरह का बयान क्या दर्शाता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।